का एक गाड़ी हुआ जिसमें हुकूमत की तरफ से लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो बिल तैयार की गई है काबिना से मंजूर करा के असम्बली में पेश की गई थी और उस पे हमने अपना रदमल देने के लिए आज का इजलास था। इसमें जो उन्होंने के बीच में के ये हुकूमत ने उसके मेम्बरान ने मुअज़्ज़रान ने जो के लोगों को ये दिखाने के लिए कि जनाब हम लोगों से स्टेक होल्डर से रबते कर रहे हैं मशवरे ले रहे हैं, मशवरे तो शायद कुछ स्टेक होल्डर से लिया लेकिन उसमें से किसी कोई एक मशवरा भी कोई एक तजवीज़ भी उन्होंने इस बिल में शामिल नहीं किया। वो अपने ही वो पुराना बिल है उसी के मुताबिक वो उसको अभी पास कराना चाहते हैं। उस बिल में जो हमारे नोटिस में आया है जो हमारे इलम में आया है उसके मुताबिक के सारी ज़मीनें जो उन्होंने अब तक के गैर कानूनी तौर पर उससे स्टेट सर्विस रूल के मुनाफी में और यहाँ की कस्टमरी लॉज के मुनाफी जो अलाटमेंट्स की थी हुकूमत ने रेवेन्यू अथॉरिटीज ने और दर पर्दा और चोर दरवाजे से वो सारा लीगल करार दिया गया है और जो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने जनाब दर पर्दा की गई तमाम अलाटमेंट्स वो हुआ मंसूख किए जाएँ और लैंड माफिया ने जितने अपने नाम पे जितना बैक डेट पे उनके इंतकालात किए वो सारे मंसूख किए जाएँ। उनके खिलाफ जो लैंड माफिया और मुतलका महकमा के लोगों ने जालसाजियाँ किए उन सब के खिलाफ केसेस रजिस्टर करके उनको सजाएँ दी जाए और हम किसी सूरत हम अपने इस अवाम की ज़मीनों पे और चरागाहों पे पहाड़ पे जो भी हुकूक हैं उन हुकूक से उनके वहाँ की जो लैन वहाँ की जो कस्टम रिलास के मुताबिक स्टेट सब्जेक्ट रूल्स के मुताबिक जो हुकूक हैं उससे हम एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसके खिलाफ बहुत बड़ी सब्सिडी मूवमेंट से बहुत बड़ी तहरीक बनेगी और उस पर हम इस हुकूमत को मुतनबा करते हैं कि इसने अगर ये अपना ये हठधर्मी और नहीं ख़त्म की और इसको वापस नहीं लिया तो ये इस हुकूमत के लिए खात्मे का बास बनेगा ये तहरीक उनका ये जो इकदाम। तो हमें अपने आवाम से भी हम अपील करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से कि वो अब पानी सर से ऊपर होने लगा है आवाम उठ खड़े हों अपने हुकूक के तहफ़ के लिए अपने ज़मीनों के तहफ़ के लिए अपने जंगलात के तहफ़ के लिए अपने चरागाहें नाले और दरियाओं की और मादनियात की और तमाम मादनी दौलत की तहफ़ के लिए जो सरकार ने सब अपने उसमें दे दिया है मुख्तलिफ़ बड़े बड़े कंपनीज को उन्हें पौनू दे दिया है उसके तहफ़ के लिए उठ खड़े हों और अपने हकूक की तहफ़ के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए अवामी एक्शन कमेटी आपके पास आ रही है उसके लिए आप खड़े हो जाएँ और इससे हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बहुत बड़ी तहरीक चला के उनको इससे ज़ालिमाना इक़दाम से फैसलों से उनकी कानून से वो हमें रोकेंगे अवामी ताकत के ज़रिए।
हमें उन्हें हुकूमती मेंबरान वज़रा मेंबरान को भी मुतनबा करते हैं कि वो अपने इस वक्ती इख्तदार के खातिर वक्ती मुफाद के खातिर और उनको डिक्टेशन जो मिल रही है उसके बुनियाद पे वो जो इससे एक अवाम दुश्मन लैंड रिफॉर्म बिल को कबूल करने जा रहे हैं उससे बाज आ जाए, वरना वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हर हलके में उनके महले में उनके गलियों में उनके घरों तक उसके जाकर उनका हम मुहासिबा करेंगे, उनको जरा एक्सपोज करेंगे और उनको इस खत्ते में हमें जीने नहीं दे देंगे, वो उनको यहाँ पे इस अवाम से गद्दारी करके वहाँ रह नहीं सकेंगे। तो वहाँ मैं आखिर में मैं फिर एक बार फिर अवाम से अपील करता हूँ कि वो अब वक्त आया है कि उठ खड़े हों अपने हुकूक के तहफ़ के लिए, अपने आइंदा मुस्तकबिल के अपने आने वाले नस्लों के हुकूक के तहफ़ के लिए। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय लड़ाई जदोजहद के और उस मुज़ाहमत के ज़रिए इन हुक्मरानों के जाबिराना इक़दाम को ख़त्म कराने और उनको रोकने के लिए अवामी ताकत के ज़रिए हम रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा एडवोकेट साहब, ये है कि कल अपोजिशन लीडर ने भी ये कहा है कि मतलब है कि स्टेट सब्जेक्ट रूल के बहाली की आप लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो फिर ये नहीं है कि आप स्टेट सब्जेक्ट रूल की बहाली की कोई मूवमेंट चला लें, इस तरीके से पार्शल कोई मूवमेंट चला के अपने एनर्जी को ज़ाया क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम मसले का हल समझते हैं कि सब कुछ स्टेट सब्जेक्ट रूल और यहाँ के मुकामी इलाकों के वादियों के जो कस्टमर इलाज है उनकी वायलेशन हो रहा है, उनकी हम बहाली के लिए उनकी बहाली तो वायलेशन हो रही है, उनकी ख़त्म नहीं हुई है, स्टेट सब्जेक्ट रूल भी ख़त्म नहीं है, मुकामी दस्तूर रिवाज भी ख़त्म नहीं है, इनकी वायलेशन कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो वायलेशन में उन्होंने जो अलाटमेंट्स किया है उसको ख़त्म कराने के लिए हम बहुत बड़ी तहरीक चलाई। थैंक यू।